चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, यहां चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है और इसी क्रम में महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता ने एक सभा को संबोधित किया। सभा में महागठबंधन के कई उम्मीदवार पहुंचे और सभी ने जनता से वोट मांगे। हालांकि सभा में आधी से ज्यादा खाली कुर्सियों ने हैरान कर दिया। नेता मंच पर भाषण दे रहे थे और भाषण सुनने वालों की तादाद यहाँ कम दिखी थी। हमको किसी पर आरोप नहीं लगाना है, ये गोपालगंज की देवतुल्य जनता जानती है कि कौन क्या है। और जहाँ तक मुद्दा का सवाल है तो हमारा मेन मुद्दा विकास है, रोजगार है, दवाई है, पढ़ाई है, लिखाई है। आदरणीय मेरे तेजस्वी यादव जी ने इस गोपालगंज जिला को 600 करोड़ रुपया का सौगात देने का काम किया है, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ किसी से लड़ाई है। हमारी जीत पक्की है और महागठबंधन की सरकार इतनी मजबूत सरकार है कि अब हम 8 हैं और वो 1, इतना दब चुके हैं कि अब उठने का नाम लेने वाले नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन जो जितनी पार्टी को मिलकर करके, जो हम 7 पार्टी हैं, 8 पार्टी मिलकर के महागठबंधन हुई है, इसके तमाम नेता एक साथ मिलकर करके और हमारे यहाँ एक उम्मीदवार जो है श्री मोहन गुप्ता जी को जो बनाए हैं हम लोगों ने, जिनके हाथ में लालटेन तेजस्वी जी और लालू जी ने और नीतीश कुमार जी ने देने का काम करने का काम किया है। जिस तरह का जनसैलाब हमने देखा यहाँ गोपालगंज में, निश्चित रूप से हमारे मोहन गुप्ता चुनाव जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुनाव जीत रहे हैं।